आज है मुस्तफा की बर्थडे और मैं और हानिया किचन में आके हम लोग मुस्तफा के लिए केक बना रहे हैं। मुस्तफा को नहीं पता कि हम मुस्तफा के लिए केक बना रहे हैं। इसके लिए एक सरप्राइज होगा क्योंकि हम मम्मा ने कहा है कि मुस्तफा की बर्थडे ईद के बाद सेलिब्रेट करेंगे, अभी नहीं करे, तो इस वजह से आज उसकी बर्थडे हमने कहा उसे थोड़ा खुश कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम केक बनाने लगे और केक यहाँ पे जो है इसका हमें केक मिक्स हमने लिया क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, कम टाइम लगता है। बाकी जैसे कि चीजें होती है उनको करने में डालने में सही भी नहीं बनता। ये मैंने लास्ट टाइम बनाया था, मैंने चॉकलेट में बनाया था जब रूबीना लाई थी तब भी बहुत अच्छा ही बना था। तो इस बार हमने लिया वनीला। मैं यहाँ पे मुझे तो लगता है कि मुस्तफा कहेगा वाओ। नहीं, वो मुस्तफा बहुत ज्यादा खुश होगा जब वो देखेगा कि हमने उसके लिए केक बनाया है। पर मुस्तफा को चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है पर मम्मा चॉकलेट नहीं लाए। मम्मा चॉकलेट, हमने मम्मा को कहा था कि आप चॉकलेट ले आए केक मिक्स पर, मम्मा जो है चॉकलेट, मम्मा ने कहा कि चॉकलेट नहीं मिला, उन्हें वनीला ही मिला है। सबसे पहले इसके ऊपर क्या लिखा है, इसके ऊपर लिखा है कि हमने इसके अंदर 3 eggs डालने हैं, ऑयल डालना है और वाटर डालना है। तो बस अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे eggs भी हमने पहले से अपने रखे हुए हैं, उसके अलावा यहाँ पे शुगर को हमने पहले से ग्राइंड कर दिया था। अभी अगर हम अंडों की जगह नमक डाल दें जब मुस्तफा केक खाएगा तो कहेगा मेरे साथ मेरी बर्थडे का ही प्रैंक हो गया। नहीं, वो जो आपकी बर्थडे होगी ना हम उसके अंदर नमक डालेंगे, ठीक है? फिर नमक वाला केक खा लेना। हमेशा मुस्तफा के बारे में सोचती होगी, मुस्तफा नमक वाला केक, अपने बारे में कभी सोचा नमक वाला केक कैसे होगा? अपने बारे में तो कभी नहीं कहती हो। जो केक का मिक्सचर था वो सारा हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमने इसके अंदर ठंडा पानी डालना है। अभी हम सबसे पहले इसके अंदर पानी डालेंगे। आप भी मेरे मुंह में तो अभी से पानी आना शुरू हो गया। अभी बना भी नहीं और हारे के मुंह में पहले पानी आ रहा है। इसके अंदर हमने ठंडा पानी डाल दिया है। अभी हमने इसके अंदर डाले 3 egg। मुझे लगता है मोर का अंडा इतना बड़ा है ना, ये देखो मुर्गी का ही अंडा है, मोर का अंडा, पर जो भी है देखो ना इतना बड़ा लग रहा है। मोर का अंडा इससे भी बड़ा होता है, पता है? वो तो मैंने देखा हुआ है पर ये ना थोड़ा बहुत लग रहा है वैसे। इसके अंदर हमें 3 डाले। हाँ, ये उठा के ना डस्टबिन में डाल दे जिसका कचरा। रुको, ये वाला भी लेती जाओ। आपको पता है कि मुस्तफा भैया का क्या रिएक्शन होगा? नहीं, पर उसको केक पसंद आएगा। लास्ट टाइम हमने बनाया था ना उसको तब भी अच्छा लगा था, चॉकलेट केक जब मैंने बनाया था। वो डार्क चॉकलेट था, रुक गया ना। मुनापी ने भी ऐसा ही तोड़ा था जब मम्मा लेके आई थी ना। मम्मा कहती है कि मुना 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 के हाथ कुछ भी नहीं बचता, वो सब तोड़ देती है। अभी ये वाला मुझसे टूट जाएगा अनकरी। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, इसको घुमाओ। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो बन के रेडी हो चुका है। बैटर को ना मैंने इसमें डाल दिया था क्योंकि उस बाउल में ना अच्छे से ना मिक्स नहीं हो रहा था, बार बार गिर रहा था और बहुत सारा उससे ना गिर भी गया है मुझसे। तो बस यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको अच्छे तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें जो है वो जो बबल्स होते हैं पाउडर के वो ना रहे, उसका जो केक मिक्स का जो पाउडर था उसका। फिर उसके बाद बस हमने इसको बेक ही करना है। हानिया, आपको एक्साइटमेंट है कि केक कैसा बनेगा? जी, मुझे बस एक चीज की एक्साइटमेंट है कि मैंने ना केक को ना डेकोरेट करना है अच्छे तरीके से। जब केक को हम बनने के लिए अंदर रख देंगे उसके बाद जब हम निकालेंगे तो यानी हम किस शेप में करेंगे पता नहीं, देखेंगे कि किस शेप में करें, किस कलर में हमने इसे डेकोरेट करना है अभी कोई आइडिया नहीं। एक मैं करूंगी एक आप करोगी, ठीक है? ठीक है, पहले बने तो सही केक, पता नहीं सही बनता है या जल जाएगा। बस अल्लाह करे कि जले ना, सही बन जाए। आप जब आपने आखिरी दफा डार्क चॉकलेट केक बनाया था वो भी बहुत मजे का था, मुझे लग रहा है आज भी बहुत मजे का बनेगा। उस दिन चॉकलेट में था ना, आज वनीला में बना रहे। वनीला में मैं फर्स्ट टाइम बना रही, मैंने पहले कभी वनीला में नहीं बनाया, हमेशा हम चॉकलेट में, मैं भी मोना भी हम दोनों चॉकलेट में ही बनाते हैं। पर आज मुझे लगता है आप ही हमेशा। बस अब ये बन गए हैं, अभी हम इसको डालते हैं फिर बन जाएगा। मेरे मुंह में अभी से फिर से पानी आ रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम भी ना हमने इसी यानी कि रेक्टेंगल की शेप में हमने केक बनाया था क्योंकि जो राउंड वाला है ना पैन उसमें क्या है कि मोना ने उसमें पता नहीं कुछ बनाया था तो वो ना थोड़ा जल गया था, वो ना खराब हो गया था। मैं भी आप सबको दिखाती हूँ कि वो कहाँ पे है। ये वो पैन है जिसमें मोना ने बनाया था और इसकी अब ये हालत हो गई, इस वजह से हम इसमें बना रहे हैं। इस वाले में हम नहीं बना रहे क्योंकि इसका ना यहाँ से कलर भी उतर रहा है, फिर ये ना कि केक को सारा सिल्वर कलर लग जाए। सबसे पहले हम इस पैन को अच्छी तरह से ना ऑयल से हम लोग ग्रीस कर लेंगे ताकि अगर जलता भी है हमारा केक तो ज्यादा नहीं जले, थोड़ा सा जल जाए। पैन को ग्रीस करने के बाद अभी हम इसमें जो है सिल्वर फॉइल लगा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए सारा बटर उठा के खा जाऊं। अभी तक बना ही नहीं है हानिया को पहले भू। और सबसे ज्यादा ना हमारे घर में जब भी केक बनता है या हम बाहर से भी केक मंगवाते हैं ना, सबसे ज्यादा हमारे घर में जो केक खाती है ना वो हानिया है। यानी कि हम थोड़ा थोड़ा सारे खाएंगे और हानिया सबका हिस्सा उठा के खा लेती है और बताती भी नहीं है, फिर बाद में मानती भी नहीं कि मैंने नहीं खाया। इस बार हानिया को सिर्फ थोड़ा सा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है हानिया? ये चीटिंग है।
चीटिंग क्या, सबको बराबर मिलेगा हिस्सा, आप हमेशा हिस्सा खा लेते हो, इस बार हम आपको अपना हिस्सा भी नहीं देंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि अब्बू की मोनेटाइजेशन की सेलिब्रेशन हुई थी और केक जो था ना वो हानिया ने खा लिया था। मैंने कहा मैं अपना बाद में खाऊंगी, मैंने फ्रिज में रखा था और हानिया ने ना मेरा केक उठा के खा लिया। कहती मुझे तो पता नहीं था कि ये आपका केक है, यानी पता भी होता है पर फिर भी हानिया नहीं मानती है, है ना हानिया जी? सही बोल रही हूँ ना? यहाँ पे हमने पैन को अच्छे तरह से हमने इसके अंदर सिल्वर पेपर भी लगा दिए और ऑयल से हमने इसे ग्रीस भी कर लिया। अब ये जो केक हमारा बैटर है अब ये हम इसमें डालेंगे। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, सही बनेगा? हानिया क्या लगता है सही बनेगा? बनेगा सही, मेहनत तो हमने की है, अब देखते हैं कि कैसा बनेगा। यहाँ पे जो केक का बैटर है उसको मैंने पैन के अंदर डाल दिया, बस अभी हम इसको रखते हैं ओवन में और इसको हम करते हैं बेक। बेक करने के बाद फिर हम आप सबको दिखाएंगे कि ये कैसा बना है। यहाँ पे हमने केक को ओवन में रख दिया है, अब देखते हैं कि ये कब तक बनता है। यहाँ पे हमारा केक बन गया है, बस यहाँ साइड से ना ये थोड़ा सा जल गया है तो इसकी साइड को अभी मैं कट कर रही हूँ। केक हमारा बन गया, केक को हमने साइड पे रख दिया। अभी हम यहाँ पे केक की फ्रॉस्टिंग क्रीम बना रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है व्हिपिंग क्रीम, उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है बटर, यहाँ पे मेरे पास शुगर जिसको मैंने पहले ही ग्राइंड कर लिया था, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास मैंगोस। सबसे पहले अभी हम डालेंगे इसमें बटर। हानी इसको साइड पे रख दो, बटर मुझे अच्छा तो नहीं लगता। तो आप फिर मत खाना ना, बस वैसे भी मुझे अकेले बना रहे हैं, आपके लिए नहीं बना रहे, आपके बर्थडे पे तो हम बाहर से लेंगे ना। मैं अपने बर्थडे पे, मैं अपने बर्थडे पे मम्मा और मैं केक बनाएंगे घर पे। अभी यारी मिक्स हो रहा है बस। बटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें ये शुगर डाल रही हूँ। बटर और शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करूंगी। यहाँ पे हमारी क्रीम बन के रेडी हो गई है, तो अब जल्दी से हम इसे केक के ऊपर लगाते हैं। अच्छा, हाफ क्रीम जो है वो मैंने केक के ऊपर लगा के केक को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया है, और यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास क्रीम बची हुई है। इसके अंदर अभी मैं मैंगो को पहले मैं कट करके स्मॉल पीसेस में, इसके बाद इसको मैश करके मैं इसके अंदर डालूंगी। यहाँ पे जो है हमारा केक बन के रेडी हो चुका है, इसके ऊपर मैंने क्रीम भी लगा दी है। क्रीम वैसे मैंने सोचा था कि मैं व्हाइट कलर की लगाऊंगी, बट फिर मैंने बाद में कहा कि मैं येलो कलर की लगा देती हूँ। और अब यहाँ पे हमारे पास दो सिरप, एक हमारे पास चॉकलेट सिरप है और एक है हमारे पास स्ट्रॉबेरी सिरप। हर एक कौन सा लगाऊं? चॉकलेट। सोच लो। चॉकलेट, क्योंकि ये जो है ना लिक्विड जैसा होता है, मुस्तफा भैया ने निकाल के भी देखा था ये। तो दोनों ही लिक्विड है, ये बिल्कुल चिपचिपा लिक्विड। तो मीठी चीज चिपचिपी होती है, क्या हो गया? तो बस अभी हम अपना केक डेकोरेट करते हैं, और जो जब हमारा केक डेकोरेट हो जाएगा उसके बाद जो फाइनल लुक है वो आप सबको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हम सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हमारी रूटीन का आगाज हो चुका है। दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और हम सबकी जिंदगी में आसानी ही आसानी हो, आमीन या रब। इसी के साथ हमारे आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का दिन बहुत ही खास है हमारे, बहुत ही स्पेशल है। आज स्पेशल इसलिए कि आज मेरे लाल की बर्थडे है। माशाल्लाह आज के दिन मुस्तफा पैदा हुआ था और ये दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। हर माँ के लिए बच्चों की पैदाइश का जो दिन होता है ना वो स्पेशल होता है, और मेरे लिए भी मेरे मेरी ये बहुत तंग करी, बहुत तंग करी है मेरी मलाक मम्मा को। क्या कर रही हो मलाक? इधर तो देखो मम्मा के पास। और मेरे लिए भी मेरे बच्चों के पैदाइश का दिन जो है ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मुझे अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है, हर माँ को अपने बच्चों से प्यार होता है, और बहुत ही ज्यादा मुझे फख्र भी है अपने बच्चों पर अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा की बर्थडे से पहले ना हम प्लान कर रहे थे कि हम कुछ इस तरह से करें, कुछ इस तरह से करें, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो फिर मैंने मुस्तफा को समझाया था दो तीन दिन पहले कि मैंने कहा था कि मैं आपकी ना बर्थडे कुछ अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। हाने की भी बर्थडे है। अच्छा, जून का जो महीना है ना, जून का महीना स्पेशल है मेरे लिए। 17 जून जो है वो मेरे मुस्तफा की बर्थडे है, और 21 जून जो है ना वो हाने की बर्थडे है, 24 जून जो है ना वो हमारी एनिवर्सरी होती है शादी की। तो खैर बस अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये बताती थी कि जून में जो है ना, जैसे मेरे बच्चों की पैदाइश भी है और जून जो 24 है वो हमारी एनिवर्सरी भी है, 24 को होती थी। तो मुस्तफा से मैंने बात की थी कि हानिया की बर्थडे भी आने वाली है, आपकी बर्थडे भी है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ बच्चों के साथ इस दफा। तो खैर फिर मुस्तफा ने कहा अच्छा ठीक है, जैसे जैसे आप करें। तकरीबन ये कोई 4-5 दिन पहले हमारी बात हुई थी उस वक्त, तो फिर ये चुप हो गया। इसे पता चल गया कि अब जो है ना वो मेरी बर्थडे ना कोई सेलिब्रेट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, शायद थोड़े टाइम के बाद मम्मी कुछ करेंगी स्पेशल हमारे लिए,
इस तरह से ना मुस्तफा का माइंड भी बन गया था। तो क्या है कि आज वीकेंड भी है, तो इसलिए फिर जो है ना मुस्तफा को मैंने अलाउ किया वीकेंड पे, वो अपनी गेम उठाकर वीकेंड पे जैसे मोबाइल वगैरह की ना मेरी तरफ से उन्हें इजाजत है, तो वो बच्चे जैसे उठाते हैं, तो इस तरह से जो आज वो थोड़ा बिजी है, अपनी गेम में मसरूफ है, मोबाइल में मसरूफ है, उसे कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो खैर एक छोटा मोटा जो है ना वो सरप्राइज जैसे कि तमन्ना ने किया है, अभी क्या करते हैं उसके लिए, फिर थोड़ा बहुत खुश करते हैं घर पे हम। तो ये जो है ना बस छोटा सा जैसे उसे खुश करने के लिए, बच्चों को स्पेशल फील करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं ना वो कभी कमतरी का शिकार ना हो। हमें किसी न किसी मरले पे कहीं ना कहीं उन्हें स्पेशल फील करवाना है, उन्हें खुश करना है, उन्हें पता चले कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। आज मुस्तफ़ा बहुत ही ज़्यादा बिजी है, उसे कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बस अपने मोबाइल में बिजी है। उसे पता है ना कि आज वीकेंड है, मुझे मोबाइल मिल गया, बस मैं बिजी रहना। मुस्तफ़ा ये कहाँ बिजी, आप कुछ पता है, इसे कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है घर में, क्या हो रहा है, मलाक मुझे कब से बुला रही है, मैं मलाक से बात करूं, अपनी बहना से बात करूं, और तो और ये वीकेंड में अपनी बहन को भी टांग नहीं देता, जिसको ये हमेशा गुल्लू गुल्लू कहता रहता है। अब देखिए बिल्कुल ये ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे साथ यहाँ पर बैठा हुआ भी नहीं है, और हमने इसकी इस मसरूफियात का ना थोड़ा बहुत फायदा भी उठाया आज। अभी मैं इसे कब से कह रही हूँ कि आपके पापा आने वाले हैं, वो हमें बाहर लेकर जाएंगे, क्या खाना है आपने, तो ये काफी सारी चीजें मुझे बता रहा था। क्या खाना है मुस्तफा ने? मैंने कुछ नहीं खाना, मुझे अमेज़न पार्क जाना। नहीं आपने मुझे गोल गप्पे का कहा है थोड़ी देर पहले, जब हानिया और मैं आपसे पूछ रहे थे। उसके अलावा इसने मुझे फलूदा कहा है, फलूदा खाना है, और क्या कहा है आपने? दो तीन चीजें मुझे आपने बताई, क्या क्या कहा था? गोल गप्पे, फलूदा और क्या कहा? आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम इसने बिल्कुल ये भूल जाता है जब मोबाइल पे बैठे। तो ये तीन चीजें मुझे और हानिया को कह रहा था कि पापा को बोले हम चलते हैं बाहर, कभी कहते हैं गोल गप्पे, कभी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज ना हम आपकी पसंद का खाना खाएंगे। मुझे कह रहा है वाकई आज सब मेरी पसंद का खाना खाएंगे, जब वहाँ पर मैं जाता हूँ तो तमन्ना आप तो कहती है मुझे ये चाहिए, बाहर हम जाते हैं तो मोना ये कहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज हम जैसे कैसे एडजस्ट करेंगे आपके साथ। ये नहीं चुप हो रही ना, ये चुप नहीं हो रही, मुझ सुना मेरी बात, सुना इधर जल्दी से आ जाओ, ये अपनी शर्ट को ठीक करो ठीक है। और आप ऐसा करो ना, अभी ना आपने क्या करना है, अपनी आईज को करना है क्लोज और मेरे साथ चलना है, मैंने आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। सब सोचो क्या होगा, कुछ होगा, कुछ मसलन, कुछ भी, कुछ तो बोलो ना लाल। मेरी सीडी, फिर भी ये सोच रहे मेरी गेम वाली सीडी, अभी भी इसे अपनी गेम की है। और इसके अलावा कुछ और यहाँ से दिख रहा है इसको? नहीं दिख रहा, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लोज किया हुआ है। और क्या हो सकता है कुछ और इमेजिन? मेरे यूनिबॉल वाले पेन। हाँ यूनिबॉल वाले पेन। इसके अलावा फर्श पीछे हो जाओ। इसके अलावा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ केक टाइप मीठा होगा। ओ माय गॉड। इसके अलावा? इसके अलावा चाय होगी। चाय होगी। चलो आ चलो, अभी आपने क्या करना है, अपनी आंखें खोलनी है ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर मुस्तफा। और इतनी मुश्किल से ना हमने इसे सारी चीजें छुपाई हैं, बार बार हम इसको डांट रहे हैं, आपने इधर नहीं जाना, आपने इस रूम में नहीं जाना, आपने नहीं नहीं जाना। और ये कब से बेचारा कह रहे मुझे कोई इधर जाने क्यों नहीं दे रहा। आपके लिए हमने ना ये किया, ये बनाया देखो। और ये किसने बनाया? ये आपकी आप ही ने बनाया, आपकी आप ही कब से मेहनत कर रही थी। हमारी तरफ से एक अच्छा सा सेलिब्रेशन हम करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह ठीक है। हानिया रे अभी मैं इसे कब से ना मैं से बातों में लगा रही हूँ, जल्दी से शर्ट चेंज करो मुझसे, हम बाहर जाते हैं, आपके पापा आने वाले हैं। तो इस तरह से ना ये क्या था, अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं इसे पूछी थी आप क्या खाओगे, बातों में मैंने इसे लगाया हुआ था कि ताकि ये उधर ना जाए उस रूम में। चलो मुझसे जल्दी से केक कट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह पाक आपको ऐसी हजारों, आपको ऐसी लाखों ना मुस्तफा, ऐसी लाखों आपकी, आपको ऐसी हजारों बच्चे अल्लाह पाक आपको देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन। वो नहीं मुझे केक को उठाने वाला, केक को उठाने के लिए चाहिए आपको? हाँ ये इससे नहीं होगा ना, का फेवरेट केक बनाया गया माशाल्लाह। मोना तमन्ना कब से मेहनत कर रही थी, कब से किचन में लगी हुई थी, ये सारा जाएगा अभी मुस्तफा के मुंह में। चलो 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 खोलो मुंह जल्दी करो, सारा खाओ। हाँ बहुत जल्दी हम मलाका भी कर।
चलो अब हानिया की बारी है अपनी, है ना। हानिया बहनों को खिलाएगा मुस्तफा। हानिया आपका भी बर्थडे आने वाला है, ठीक है? ओके। और हानिया की पसंद का भी हम फेवरेट केक बनाएंगे। देखो बेचारा उसके कपड़े। चलो जल्दी से मम्मा को खिलाओ। थोड़ा सा थोड़ा सा मुस्तफा। थैंक यू। मुझे आपने कहा था ये तो बात करने की, आपने तो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया। इतना बड़ा सरप्राइज है ये? ये तो छोटा सा है लाल को स्पेशल फील करवाने के लिए मेरे बच्चे को, कि मेरा बच्चा जो है ना, ये ना मेरा बच्चा, मैं आप सबको बताऊं कि जो मेरा बच्चा है ना, ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। मेरी बच्चियों से ज्यादा ये ज्यादा इमोशनल है हमेशा। शुरू से मैं इसको देखती हूँ, मैं इसकी ना काफ़ी सारी बातें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ये कितना इमोशनल है, एक एक बात को ना कैच करता है, एक एक बात ना इसके दिल पे लगती है, छोटी छोटी बातों को नोट करता रहता है। अब मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, तो इसलिए फिर मैं इसलिए इसका ख्याल रखती हूँ कि ये जो है ना, इन चीज़ों को ज़्यादा नोट ना किया करें।